तो बेटा चले, इससे पहले हमने रेंज पढ़ा, रेंज जस्ट कंसिडर कर रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ कर्टाइल डेविएशन। कर्टाइल डेविएशन होता क्या है? सो एज यू नो व्हाट द कर्टाइल्स आर, Q1 Q3 आप निकालते थे, अब ये उन्हीं की डिफरेंस कैलकुलेट करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एवरेज डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब सर क्या एवरेज डिफरेंस? ये जो कर्टाइल डिविएशन जो होती है ना, ये जो कर्टाइल डिविएशन ये होती है Q3 माइनस Q1, एवरेज करते हैं डिवाइड बाय टू। सो एवरेज डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट कर्टाइल इज कॉल्ड कर्टाइल डिविएशन। Q3 माइनस Q1 ओवर 2, दैट्स योर कर्टाइल डिविएशन। वेरी इजी। सो अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज कर्टाइल डिविएशन, तो आप कहना कि डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट कर्टाइल डिवाइड बाय टू। उस डिफरेंस को आप डिवाइड करो 2 से, तो यू विल गेट योर कर्टाइल डेविएशन। एंड अगर हमें ये क्वेश्चन, एज यूजुअल इसमें भी होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव। सर मुझे बताइए, रेंज तो फेल हो गया, अब ये इट कंसिडर 50% ऑफ डेटा। कर्टाइल डेविएशन जो है इट कंसिडर्स 50% ऑफ डेटा। इट डजंट कंसिडर ओनली स्मॉलेस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू एज इट वॉज इन रेंज। रेंज में हम करते थे कंसिडर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वी कंसिडर फर्स्ट कर्टाइल एंड थर्ड कर्टाइल, इट मीन्स वी कंसिडर 50% ऑफ डेटा, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं 50% ऑफ डेटा। सो कर्टाइल डिविएशन किसके बराबर होती है? Q3 माइनस Q1 ओवर 2, ठीक है। तो चलो बेटा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेल्स। रुपीस में दिया है, 10 से लेके 110 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110। अब मुझे बताया हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है तो कर्टाइल डिविएशन निकालनी है। पहले उसके लिए हमें निकालना है Q1 और Q3। जो Q1 है दैट्स इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 था आइटम। सो दीज आर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 12 डिवाइड बाय 4 दैट्स इक्वल टू थर्ड आइटम। एंड व्हिच इज द थर्ड आइटम? सो रुपीज 30 आपका Q1 है, ओके। नाउ लेट्स टॉक ऑफ Q3। 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 4 था आइटम। सो 3 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 4 दैट्स इक्वल टू 9 था। So, 9th item is 90. So, rupees 90 आपका Q3 है. Okay, my dear? Now, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है curtile deviation. ये जो curtile deviation है ना, so that's equal to Q3 minus Q1 divided by 2. 90 minus 30. Divide by 2, so that's equal to 60 divide by 2, that's equal to 30 rupees. So rupees 30 is the curtile deviation, but hum nikalenge coefficient of curtile deviation. Q3 minus Q1 divide by Q3 plus Q1. What is Q3? 90 minus 30 divided by 90 plus 30.
60 डिवाइड बाय 120 दैट्स इक्वल टू 0.5. ओके, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपने कर्टाइल्स निकालना है फिर उनकी डिविएशन निकालनी है. ओके माय डियर, याद रखना ये जो Q3 माइनस Q1 है ना, सिर्फ इसे हम कहते हैं इंटर कर्टाइल रेंज. सिर्फ डिवाइड बाय टू नहीं, Q3 माइनस Q1 उसे क्या कहते हैं, इंटर कर्टाइल रेंज. द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1 दैट्स कॉल्ड इंटर कर्टाइल रेंज. इंटर कर्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1. तो याद रखना माय डियर, अगर आपको कोई कभी MCQ आएगा, सो व्हाट इज द कर्टाइल डिविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, क्या मैं ऐसे भी इसे बताऊं डिफरेंस एवरेज ऑफ इंटर कर्टाइल रेंज, एवरेज ऑफ इंटर कर्टाइल रेंज दैट्स कॉल्ड कर्टाइल डिविएशन. सो इंटरकर्टाइल रेंज किसके बराबर होती है, Q3 माइनस Q1. अगर क्वेश्चन आएगा वो एक मार्क्स का, व्हाट इज इंटरकर्टाइल रेंज, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन टू आइटम्स, बट हियर द डिफरेंस बिटवीन थर्ड कर्टाइल एंड द फर्स्ट कर्टाइल इज कॉल्ड इंटरकर्टाइल रेंज. अगर आपको इसके बाद ये आएगा 3 मार्क्स का, तो आपने बताना है Q1 हम कैसे निकालते हैं एंड Q3 हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, कंप्लीट. पूरे क्वेश्चन है हमारे पास 55, 60, 70, 90, 91, 10, 120, 131, 145, 145, 150 and 170. तो ऐसे बताऊंगा मैं आपको, ये सेल्स ही दिया है 55, 60, 70, 90, 90, 120, 141, 145, 145, 155, 175, and 170. ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, my dear. Now Q1 किसके बराबर है? That's equal n plus 1 divided to 4th height. So n क्या है? 12. प्लस 1 डिवाइड बाय 4, 13 डिवाइड बाय 4, 3.25th आइटम. 3.25th आइटम का मतलब क्या है, दैट्स इक्वल थर्ड आइटम प्लस 0.25. थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ माइनस थर्ड. ये 0.25 में है ना, तो मैंने कहा था ना आपको इंडिविजुअल में कैसे हम करते हैं. थर्ड आइटम क्या है, 1, 2, 3, 70 प्लस 0.25. फोर्थ क्या है, 90 माइनस 70. 70 प्लस 0.25 इंटर 20. 70 प्लस 5 दैट्स इक्वल 75 आपका निकला Q1. ओके लेट्स टॉक ऑफ Q3. 3 into n plus 1 divided by 4, that's equal to 3 into 13 divided by 4, item ka matlab kya hai, 9th plus 0.75, 9 ke baad kya aata hai, 10, 10th आइटम माइनस 9th आइटम जो मैंने कहा था. सो पहले 9th आइटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 145 प्लस 0.75 इंटू 10th आइटम क्या है, 145 माइनस 9th आइटम क्या है, 145. ये सेम है यहाँ पे, ये 9th है, ये 10th है, इसीलिए 10th 145, 9th 145. 145 plus 0.75 into 0, 145 plus 0.75 into 0, that is equal to 0. So 145 is your Q3. Okay, now curtail deviation kiske barabar hai, curtail deviation kiske barabar hai my dear, Q3
माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. सो व्हाट इज विच वन इज Q3? जो Q3 है आपका दैट इज 145. Q1 क्या है आपका 75 डिवाइड बाई 207. That's equal to 35. Okay. Now after that there is coefficient of good and deviation. So Q3 kya hai? 145 minus 35 divided by 145 plus 35. So 110 divided by 0. 0.611 is the relative dispersion. ठीक है भाई, कंप्लीट.